भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को कई सारी उम्मीदें थीं, लेकिन हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस की रातों की नींदें उड़ चुकी है। राहुल गांधी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा। बट ऐसा क्या हो गया? हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों पहले एक जनसभा, एक पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उसी के चलते उनके ऊपर लगा डिफेमेशन का केस, यानी कि मानहानि का केस। इसी के चलते सूरत कोर्ट से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी के बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया और आज की डेट में राहुल गांधी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा एंड ही इज नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट बात यहाँ कहाँ रुकनी थी। बात गई ट्विटर तक और ट्विटर पे शुरू हो गया एक मीम्स का दौर। ट्विटर पे एक साइड पे है रूलिंग पार्टी, जिसके समर्थक कंटिन्यूसली मीम्स पोस्ट कर करके कांग्रेस को और जला रहे हैं, और दूसरी साइड पे है कांग्रेस और बाकी का अपोजिशन, जो इसे डेमोक्रेसी की डेथ कह रहा है और इसे कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहा है, इस पूरे इंसिडेंट को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल इंसिडेंट में आपको एज एन अवेयर सिटीजन ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रूलिंग एंड हाउ डज दिस डिस्क्वालिफिकेशन वर्क्स। मेरा नाम है मयूरी भगवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आईएस शॉर्ट शॉर्ट। लेट्स चेक आउट द होल इंसिडेंट। तो इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत होती है कुछ दिनों पहले से, जहां एक जनसभा में राहुल गांधी ने पूरी पब्लिक को एड्रेस करते हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर एक अटैक किया और ये कहा कि सारे मोदी सरनेम वाले लोग चोर होते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक के लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो इसी बयान के रिस्पांस में उनके ऊपर एक डिफेमेशन का, एक मानहानि का केस दायर हुआ और इसी के चलते सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और ये कहा कि भारत में कई सारे लोग हैं जो मोदी सरनेम का यूज करते हैं और राहुल गांधी का ये बयान मोदी सरनेम वाले सभी लोगों के लिए, पूरी मोदी कम्युनिटी के लिए एक अपमानजनक बात हो चुकी है। और इसी जजमेंट के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। बट जानने वाली बात यह है कि आईपीसी का सेक्शन 500 डिफेमेशन की बात करता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन डिफेमेशन में कन्विक्ट होता है तो उसे 2 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है, और यही सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी लगा है राहुल गांधी के ऊपर भी। लेकिन अभी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि सूरत कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय और दिया है अगर वो कोर्ट में फिर से अपील करना चाहें तो। तो अब हमारा जानना जरूरी हो जाता है दैट हाउ डज दिस डिस्क्वालिफिकेशन वर्क्स। इंडियन लॉ के हिसाब से किसी भी एमपी या एमएलए को 3 तरीकों से डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। इन 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका है आर्टिकल 102 एंड 191 में दिया हुआ। आर्टिकल 102 बात करता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है और किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, ये दिया है आर्टिकल नंबर 191 में। तो बेसिकली इसके 3 grounds हैं अगर किसी एमपी या एमएलए को आर्टिकल 102 या 191 के अंतर्गत डिस्क्वालिफाई करना है तो। फर्स्ट वन इज हैविंग एन अनसाउंड माइंड और इनसॉल्वेंसी, सेकेंड वन इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज नॉट हैविंग अ वैलिड सिटीजनशिप। दूसरा तरीका है हमारे संविधान से आने वाला 10th शेड्यूल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन की, यानी कि जिसे हम हिंदी में दल बदल कानून भी कहते हैं। डिफेक्शन बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी से अलग हो जाता है या फिर अपनी पार्टी की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तब भी उसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। तो अगर कोई एमपी या एमएलए अपना दल इलेक्ट होने के बाद बदलता है तो उसे डिस्क्वालिफाई इस 10th शेड्यूल के अंतर्गत किया जा सकता है। और तीसरा तरीका जो कि जिसके अंतर्गत राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई किया गया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये बात करता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट पाए जाते हैं तो उन्हें लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। सेक्शन 8 की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 में 3 clauses हैं। पहला क्लॉज ये बोलता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए इस चीज का कन्विक्ट होता है कि उस एमपी या एमएलए ने कभी भी हेट स्पीच का यूज किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है या फिर कभी ब्राइबरी की कोशिश करी है, घूस देने की कोशिश करी है, तो उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है।
इसी के चलते सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को भी डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो चुका था कि उन्होंने हेट स्पीच का यूज किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर इस चीज में कन्विक्ट पाया जाता है कि उन्होंने प्रॉफिटरिंग के लिए या होर्डिंग के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट या ड्रग्स में मिलावट की है तो भी उन्हें डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 3 की, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई किया गया है। तो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट पाए जाते हैं जब उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे केस में उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालिफाई किया जाता है फ्रॉम द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये डिस्क्वालिफिकेशन लागू रहता है उस पर्सन की रिलीज के 6 साल बाद तक। बट आपके लिए जानना जरूरी ये है कि ये पहला ऐसा केस नहीं है, इसके पहले भी कई सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को इसी तरह से डिस्क्वालिफाई किया जा चुका है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन आगे बढ़ेगा, क्या ऑप्शंस आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी के पास अब बचे हैं। तो देखिए, आरपी एक्ट ये कहता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, और इसके रिवर्स होने की 2 कंडीशन है। सूरत कोर्ट से कोई बड़ा कोर्ट यानी कि गुजरात हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या तो इस सूरत कोर्ट के जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट इस अपील को स्वीकारते हुए इसका जजमेंट राहुल गांधी के फेवर में दे, और अगर ऐसा होता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी तब तक ही सही फंक्शन कर पाती है जब तक उसका अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एज एन अवेयर सिटीजन आपको और मुझे, हम सभी को सोचने की जरूरत है कि ये सब जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन सही है, और अगर नहीं तो क्या ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। आप कौन सी साइड पे हैं मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।